स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई को लेकर बच्चों में सबसे ज्यादा चिंता होती है। इसी को कम करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल ने स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच एक कंक्लेव का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालय के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के हेड से बात की है सहयोगिया जलाल ने। छात्रों के सामने, उनके अभिभावकों के सामने एक गैप होता है कि हायर एजुकेशन के लिए वो अपने बच्चों को कहाँ भेजें। जाहिर सी बात है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के कैंपस में एक कंक्लेव हो रहा है जिसमें देश भर के यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के शकपत इरशाद जी हैं। मैं सीधे उनसे जाने की कोशिश करता हूँ। सर, अपना परिचय देते हुए अपनी बात कहेंगे। जी, मैं शफकत इरशाद हूँ। मैं रीजनल मैनेजर ऑपरेशन हूँ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। मैं बेसिकली इस लाइन पे, मैंने इस एजुकेशन सेक्टर पे पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। बच्चों को गाइडेंस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ डीपीएस स्कूल रांची में 26 फरवरी 2022 में। सर, एक जो गैप होता है कि हाई स्कूली शिक्षा के बाद बच्चों को पता नहीं चलता, अभिभावकों को कहाँ जाए, वो नेट में सर्च करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, नेट में सर्च करने के तो ठीक, आज के यंग बच्चे हैं, नेट में सर्च करेंगे, गूगल का ज़माना है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कई तरह के डाउट्स उनके जहन में होते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स के बाद मैंने उसके प्लेसमेंट के हिसाब से कि भाई वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ आते हैं, बच्चों को सामने उनको डाउट को क्लैरिफाई करते हैं। झारखंड आप लोग आए हैं, यहाँ पर यदि हायर एजुकेशन की बात करें, क्या आप यहाँ के छात्रों में, छात्राओं में एनर्जी देख रहे हैं, क्या स्कोप देख पा रहे हैं, उनकी जो क्षमता है झारखंड के बच्चों में? जी नहीं नहीं यहाँ के बच्चे, मैं बताऊँ, रांची शहर सबसे बड़ी, रांची शहर के जहाँ तक सवाल है, मैं कई बार आ चुका हूँ इस एजुकेशन के मामले लेके। यहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत प्रोएक्टिव काम करते हैं, बहुत से सवाल उनके रहते हैं जो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। इतने दूर से हम लोग आते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, हमको जवाब देते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। दे आर वेरी गुड, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ। आज जो कन्क्लेव हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि स्कूल के बीच और यूनिवर्सिटी के बीच जो गैप है, उस गैप को पाटने में सक्षम होंगे आप लोग? बिल्कुल। ये तो डीपीएस स्कूल के जहाँ तक डॉक्टर राम सिंह का सवाल है, मैं बहुत थैंकफुल टू हिम एन एंटायर टीम ऑफ द डीपीएस, एंटायर टीम आईसीएआई जो उन्होंने कहा है, आईसीएआई मिस्टर नज़ीर ने, ये बहुत ही अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि तमाम बच्चे, यूनिवर्सिटी और स्कूल, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया उन्होंने, जहाँ से ना गैप, न सिर्फ गैप कम होता है बल्कि उनकी तमाम जो सुविधाएं एक जगह ला के रख दिया उन लोगों ने कि भाई आपको कोई भी कोर्स पढ़ना है, कोई भी, चाहे बीबी जैसा बता रहे थे कि बीबी पढ़ना हो, मैनेजमेंट पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, इंजीनियरिंग पढ़ना हो, तमाम एक जगह आके अपने तमाम डाउट्स को ले लीजिए और पढ़ने के लिए वहाँ पर आइए। हमारे साथ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी सीनियर टीचर शफकत इरशाद साहब, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गैप भरने की कोशिश इस डीपीएस के कैंपस में हुई है, स्कूली शिक्षा और हायर शिक्षा के बीच में जो गैप है, उस गैप को पाटने में ऐसे सेमिनार, ऐसे कंक्लेव एक मील का पत्थर साबित होगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।